इतिहास के पन्नों में कैद 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसने मानव इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसी सभ्यता जिसने शहरीकरण की पहली मिसाल कायम की, एक ऐसी सभ्यता जो सालों तक इतिहास के पन्नों में कैद रही लेकिन जब सामने आई तो एक पहेली बनकर रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंदे फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसी को लेकर होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्यों बता रही हूँ। इसकी भी वजह है, दरअसल हाल ही में 20 सितंबर को भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की शताब्दी मनाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि आज से 100 साल पहले 20 सितंबर 1924 को ही सिंधु घाटी सभ्यता के पहले अंश मिले थे। आज के इस वीडियो में हम भारत की सबसे पुरानी या कहे कि रहस्यमय सभ्यता के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि कैसे सालों पुरानी सभ्यता की खोज हुई, इस सभ्यता में ऐसी क्या खासियत थी जिसने ना सिर्फ भारत की बल्कि विदेशों के आर्किटेक्चर को भी आश्चर्य में डाल दिया, और सभ्यता की खोज के 100 साल के बाद भी ये सभ्यता पहेली क्यों बनी है। 20 सितंबर 1924 द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसकी हेडलाइन थी, एक लंबे समय से भूली हुई सभ्यता पर पहली रोशनी, एक अज्ञात प्रागैतिहासिक अतीत की नई खोज। इस लेख ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता को खुलासा किया जो कि काफी समय से इतिहास के पन्नों में कैद थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह आर्टिकल आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने लिखी थी। उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। इस सभ्यता की खोज की शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी में, जब पहली बार लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई करना शुरू किया। तब उन्हें जमीन के अंदर से बनी बनाई ईंटें मिली जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार समझकर उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा, जिसके बाद कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और उसी साल कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन ब्रदर्स ने हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी बीच 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया। इसके बाद 1921 में दयाराम सहानी ने हड़प्पा की खुदाई की, जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके अगले साल 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो आधुनिक उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी तिब्बत तक फैली हुई थी। ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ पुरानी दुनिया की तीन प्रारंभिक सभ्यताओं में से सबसे व्यापक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की समय रेखा लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सभ्यता की समय रेखा को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, सभ्यता का उदय 3300 ईसा पूर्व। दूसरा, इसका विकास और परिपक्वता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तीसरा, इसका पतन 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये सभ्यता कहाँ तक फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में था जो वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के क्षेत्रों में फैला हुआ था। सभ्यता के प्रमुख शहरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गवईवाला, राखीगढ़ी और धोलावीरा शामिल थे। ये सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के तट पर फली फूली, जिनके बारे में ये माना जाता है कि बाद में ये नदियाँ 1900 ईसा पूर्व में सूख गई थी। सभ्यता की विशेषताएं। इतिहासकार बताते हैं कि अपनी समृद्धि के चरम पर यह एक तकनीकी महाशक्ति था। प्राचीन सिंधु नदी घाटी के निवासियों ने शिल्प कौशल और धातुकर्म चीजों में आधुनिक रणनीति का आविष्कार किया। सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः वर्गहीन माना जाता है। ये सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग हुआ करते थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। वही इस सभ्यता के अंतर्गत समाज मातृप्रधान था। सिंधु घाटी की सभ्यता शहर नियोजन, जल संचयन, जलाशयों, स्टेडियमों, गोदामों, विशाल किलेबंदी दीवारों और समुद्री नावों के निर्माण, कांस्य और तांबे की कलाकृतियां बनाने, उत्तम चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा उत्पादन बनाने में उत्कृष्ट था।
सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन कर अपना जीवन यापन किया करते थे। बता दें कि सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य शरीर पर सूती और ऊनी वस्त्र धारण किया करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस काल में स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं हुआ करता था। सभ्यता में पुरुष अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठाहार, कुंडल आदि पहनते थे, तो वहीं स्त्रियां चूड़ियां, कर्णफूल, हंसली, भुजबंद, करधनी आदि पहना करती थी। ये आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, हीरो आदि से बनाए जाते थे। इसके अलावा निर्धन व्यक्ति तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहना करते थे। भारतीय संस्कृति की तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मूर्ति पूजा और पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं उनसे ये तो साफ है कि ये सभ्यता आज के समय से काफी ज्यादा आधुनिक थी। उस समय की तकनीक, वास्तुकार, भवनों को बनाने का डिजाइन, शहरी योजना, जल प्रबंधन, सड़कें आदि सभी आज के समय से काफी उन्नत हुआ करती थी। वैसे तो इस सभ्यता की कई विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो इस सभ्यता को और खास बनाती है, और वो है इसकी भाषा, लेखन शैली और मानकीकृत माप यानी स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस समय के लोगों को बाइनरी डिजिट, दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही जियोमेट्री जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट्स का भी ज्ञान था। उस समय की कलाकृति आज की कलाकृतियों से कई ज्यादा एडवांस थी, जिसमें लैपिडरी कला और माइक्रो ड्रिलिंग जैसी कलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा सभ्यता की भाषा के बारे में बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की भाषा के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि उनकी लिपि लगभग 4000 प्रतीकों से बनी है, जिनमें से कुछ चित्रलिपि और कुछ ध्वनि लिपि हो सकते हैं। सिंधु भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों का ये मानना है कि ये भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक हो सकती है। ये सभ्यता अभी भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना है, क्योंकि अभी तक हम इस सभ्यता की भाषा को समझने में असमर्थ हैं। सभ्यता की खोज के 100 सालों के बाद भी हम ये पता नहीं कर पाए कि उस समय किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था और उस समय के लोग टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में हमसे इतने एडवांस कैसे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।